अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा गोश्त। ये पाव किलो गोश्त है धुला हुआ, इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, नमक मिक्स कर लेंगे और रख देंगे इसको प्रेशर कुकर में 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। सीटी बजने के बाद से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे गोश्त बॉईल कर लिया है। 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे सीटी बजने के बाद से ये 3 मीडियम प्याज है कटी हुई, ये 4 छोटे छोटे टमाटर हैं कटे हुए, 1 कप हरा धनिया पुदीना कटा हुआ है और 4 हरी मिर्ची अभी मैंने इसी में काट दी है। हाफ कप तेल गरम करके डाल दी है इसमें प्याज, इसमें डाल देंगे नमक जिससे कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी। प्याज पिंक हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर कटे हुए, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम पे रखेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हिलाते रहेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इसमें गोश्त डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, फास्ट फ्लेम पे सब कुछ फ्राई कर लेंगे अभी टमाटर के गलने तक। जैसे ही टमाटर गल जाए गैस ऑफ कर देंगे। देखिए अब टमाटर भी गल चुके हैं, गैस ऑफ कर देंगे। तवा गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।